चलो मैं शुरू करो भाई, पहली रेड है पंजाब की तरफ से। सुखमन अमीरपुर आज दो खिलाड़ी की छूट के अनुसार थक्कर झंडा टीम का सदस्य है और पहली रेड भाई सामने है, चाहे मोनू बिंदल की बात हो और पूरी काला ली जुआने की देखिए बहुत स्टॉपर लाइन और यहाँ पर अच्छी ट्राई है स्टॉपर के द्वारा, बिल्कुल झटके जा रही है पहली कैच बिल्कुल टीम के खाते में, हरियाणा प्रदेश की टीम के खाते में पहले ही पॉइंट अपनी टीम के लिए। दर्शक साथियों बहुत ताकतवर और शानदार मुकाबला होगा। अमन खरक जटान आज दो खिलाड़ी की छूट के अनुसार और भाई चाहे मोनू बिंदल की बात हो दर्शक साथियों, और अब है रेड पे हरियाणा प्रदेश की तरफ से गांव लिजुआना की तरफ से खोतली लिजुआना, बिल्कुल एक हरियाणा प्रदेश का युवा उभरता हुआ स्टार खिलाड़ी सामने भाई पंजाब प्रदेश की, देखिए पूरी स्टॉपर लाइन है चाहे हरदेव फक्कर झंडा की बात हो और यहां पर अच्छी ट्राई है पंजाब के स्टॉपर के द्वारा और देखते हैं अंक रेडर के खाते में फिर यह स्टॉपर के खाते में और यहां पर देखिए बिल्कुल अच्छा कैच की कोशिश और कैच बन चुकी है भाई, एक बार जोरदार ताड़ियों के साथ दोनों तरफ से पहली कैच बन चुकी है और फिर है रेड बल्ली फक्कर झंडा सामने भाई चार स्टॉपर चाहे मोनो बीतल की बात और भाई पूरी लिजवाना गांव की जो हमारी स्टॉपर लाइन और यहां पर मोनू बिंदल का अच्छा प्रयास था, अंक पंजाब टीम के खाते में, बहुत ताकतवर और शानदार मैच होगा हरियाणा और पंजाब प्रदेश की टीमों के बीच में, देखते हैं कौन सी टीम सेमी के अंदर प्रवेश करेगी और कौन सी प्रतियोगिता से बाहर होगी। और दर्शक साथियों फिर है रेड पे लखा लिजवाना सामने चार स्टॉपर है भाई पंजाब प्रदेश के, पूरन हवलदार जी जैसा खेल समिति भाई देखिए बिल्कुल आप साथ ही साथ लाइन पर हैं दोनों साइड में और अच्छा मुकाबला लखन लिजवाना को देने में बिल्कुल सफल और बबरू भांजू से मैं अनुरोध करूंगा आप जहां भी आवाज सुन रहे तो तुरंत ग्राउंड के अंदर रिपोर्ट करें भाई बबरू भांजू और राजेश गसो, आपको लगता है बार बार अनाउंसमेंट करो आप यहाँ मैच करवाने के लिए आया भाई। सुखमन अमीरपुर आज पंजाब दो खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल और देखे रेड पे है पंजाब प्रदेश की बिल्कुल टीम और ये मोनू बिंदल का अच्छा प्रयास है फिर अंक रेडर के खाते में और दर्शक साथियों रेड में भाई सभी खेल प्रेमी परिचित है जैब गुहानूर अब काला लिजवाना दो तीन ठंडे स्वभाव का खिलाड़ी और ये है हरदेव फक्कर झंडा का अच्छा प्रयास है इस बार अंक काला लिजवाना टीम के खाते में हरियाणा प्रदेश की टीम के खाते में। अगली टीम में किसान भाइयों अगर आपका पशु समय पर नया नहाता हो बार बार फिरता हो कम दूध देता हो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्री डाइट खिलाओ समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा। न्यूट्री डाइट को आप हरेक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं और हाँ इसे आप ऑनलाइन भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए 80595 37000 पर संपर्क करें। वीरेंद्र फरमान और बडाला आपके लिए लास्ट फाइनल कॉल दोनों टीमें तुरंत ग्राउंड के अंदर रिपोर्ट करें और फिर रेड पे बल्ली फक्कर झंडा और यहां पर अच्छा प्रयास है लिजवाना के स्टंपर के द्वारा अंक पंजाब टीम के खाते में, शानदार मैच खेल दिया दोनों टीमों ने, देखते हैं भाई कौन सी टीम सेमी के अंदर प्रवेश करेगी और कौन सी प्रतियोगिता से बाहर होगी और फिर रेड पे लखा लिजवाना और बबरू भांजी जो पहुंच गए ग्राउंड में भाई तभी ऑफिशियल ग्राउंड के आसपास रहे और पंजाब की तरफ से सुखमन अमीरपुर दो खिलाड़ी की छूट के अनुसार रेड डालते हुए मास्टर सुरेंद्र गुलाव जी पूरन हवलदार जी बिल्कुल बहुत ही गहरी नजरों से देखे हमारे सभी ऑफिसर का बहुत बढ़िया निर्णय और ये है अमन खरक जटान और अच्छा प्रयास है यहाँ पर स्टॉपर का, देखते हैं झटके जारी है
आपके देखते हैं ऑफिसर का आपका रेडर के खाते में बहुत बढ़िया निर्णय। खिलाड़ी साथ कोई बैठ करे आपका काम है खेलना, बिल्कुल हमारे जितने ऑफिसर है सभी बहुत ही सूझबूझ के ऑफिसर है। और काला नहीं जो है ना दर्शक साथियों रेड पे यहाँ पर अच्छा प्रयास पंजाब के का और आपका नहीं जो आना टीम के खाते में हरियाणा प्रदेश की टीम के खाते में। जो टीम पहले 21 अंक बना लेगी वो विनर होगी। अगर 20-20 स्कोर होता है तो मैच बराबर होगा। फिर रेड पे बल्ली फक्कर झंडा और सामने भाई मोनू बिद्दल और यहाँ पर लिजवाना के स्टॉपर का फिर अच्छा प्रयास है इस बार और कैच बन चुकी यहाँ के स्टॉपर के खाते में। बहुत ही शानदार कैच और बिल्कुल आंक लिजवाना टीम के खाते में। चलिए भाई रेड डालिए एक बार भाई हरदेव सेंटर चेक करवा दिया करो। गोली लिजवाना रेड पे युवा उभरता हुआ स्टार खिलाड़ी और बिल्कुल काला लिजवाना जो हमारे बहुत ही ठंडे स्वभाव के खिलाड़ी हैं उनके भतीजे हैं और देखते हैं यहाँ पर अंक लेने में सफल हो रही है पंजाब के स्टॉपर का अच्छा प्रयास था। अंक लिजवाना टीम के खाते में रेडर के खाते में। शानदार हमारा पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला वीरेंद्र फरमाना और बडाला। इस मैच के बाद जो मैच होगा दोनों तुरंत ग्राउंड के अंदर रिपोर्ट करें। और आज दो खिलाड़ियों की अगर हम छूट की बात करें लिजवाना की अमन खरग जट्टान बिल्कुल एक कॉर्नर और दूसरे कॉर्नर पर है मोनू भी दलोरी है। देखते हैं यहाँ पर अमन खरग जट्टान का अच्छा प्रयास है और बिल्कुल कबड्डी 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 और यहाँ पर कैच बन चुके हैं स्टॉपर के खाते में। बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन दोनों टीमों के द्वारा। देखते हैं भाई कौन सी टीम सेमी के अंदर प्रवेश करेगी और कौन सी प्रतियोगिता से बाहर होगी। जो टीम इस मैच की जीतू टीम होगी वो सेमी के अंदर पहुंच जाएगी और जो लूज करने वाली टीम है उसको यही संतोष करना पड़ेगा। लखन लिजवाना रेड पे एक युवा उभरता हुआ स्टार खिलाड़ी सामने भाई चार स्टॉपर है चाहे हरदेव फक्कर झंडा की बात हो और पूरी स्टॉपर लाइन। देखते हैं इस बार कैच बनते हैं या फिर लखन लिजवाना को लेने में सफल और यहाँ पर अच्छा प्रयास है पंजाब के और देखते हैं कबड्डी 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 और कैच बन चुकी है भाई एक बार जोरदार ताली के साथ। उन खिलाड़ियों का अपमान समान उठाते रहे बहुत ही ताकतवर मैच खेल रही है दोनों टीमें। और फिर रेड पे बल्ली फक्कर झंडा सामने भाई चार मोनू बिद्दल की बात हो और बिल्कुल पूरी स्टॉपर लाइन और आज अच्छा प्रयास यहाँ पर ऑफिसर का इशारा डबल टच का अंक पंजाब टीम के खाते में। स्कोर क्या है मेरे भाई का 7-8 दर्शक साथियों मैच बिल्कुल बराबरी दौर पे रही है। काला लिजवाना रेड में और सामने अच्छा प्रयास है यहाँ पर स्टॉपर का है क्या बात है बिल्कुल झटके जारी अंक लिजवाना टीम के खाते में। मैच बराबरी के दौर पे चलता हुआ देखते हैं भाई कौन सी टीम सेमी के अंदर प्रवेश करेगी। और वीरेंद्र फरमाना टीम पहुंच चुकी है बडाड़ा टीम भी आ जाए हाँ बडाड़ा टीम भी धन्यवाद दोनों टीमों का। इसी प्रकार से सभी टीम सहयोग करते रहे और फिर रेड पे सुकमन अमीरपुर आज फक्कर झंडा के अंदर दो खिलाड़ियों की छूट के अनुसार अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए सामने भाई चार स्टॉपर है चाहे अमन खरग जटान ने फिर अच्छी ट्राई ली है और अच्छा प्रयास है यहाँ पर झटके जा रही है सुकमन के और यहाँ पर कैच बन चुकी है अंक लिजवाना जिला जींद टीम के खाते में। अगली दोनों टीमें बिल्कुल हमारे ग्राउंड के ऊपर तैयार है धन्यवाद दोनों टीमों का। गोली लिजवाना गोली लिजवाना रेड डालते हुए और भाई सामने पंजाब टीम के जो हमारे चार स्टॉपर हैं यहाँ पर अगर पंजाब टीम ने मैच में बराबरी लेकर आनी है तो भाई कैच बनानी पड़ेगी मारो कैच तो मैच वाली नीति आपको पंजाब टीम को अपनानी पड़ेगी। और फिर रेड पे बल्ली फक्कर झंडा सामने मोनू भी दला दो खिलाड़ी की छूट के अनुसार डबल टच का इशारा मास्टर सुरेंद्र कलोई जी का अंक रेडर के खाते में।
मैच में बराबरी के लिए यहाँ पर पंजाब को कैच की आवश्यकता है और देखते हैं भाई लखा लिजवाना है रेड में। यहाँ पर पंजाब की टीम कैच बना पाती है, फिर लखा कलोने में सफल हो रही इस बार। अच्छा प्रयास है पंजाब के स्टंपर का और सामने है भाई लखा लिजवाना, एक युवा उभरता हुआ स्टार खिलाड़ी और अच्छा प्रयास अंक रेडर के खाते में। वन बाइट जी लगातार रेड नहीं डालोगे, रेड डालिए भाई पंजाब की तरफ से रेड डालिए। वन बाय वन रेड है और ये भाई पंजाब की तरफ से स्टॉपर का देखिए ऑलराउंडर खिलाड़ी का कार्य करते हुए और बिल्कुल अच्छा प्रयास है यहाँ पर, फिर कैच बन चुकी है अंक स्टॉपर के खाते में, लिजवाना टीम के खाते में। भाई कोई खिलाड़ी रेफरी को चैलेंज ना करे, हमने पहले देना उसके था रेफरी के जो निर्णय होंगे बहुत ही सूझबूझ के निर्णय सभी ऑफिसल है, जितने अपने टाइम के स्टार खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के बहुत ही उच्च कोटि के ऑफिशियल है, चाहे भाई बबरू भान की बात हो, सुरेंद्र कलोई की बात हो, राजेश घसो की बात हो, मलिक की बात हो, गोली भिजवाना रेड डालते हुए सामने चार स्टॉपर है पंजाब प्रदेश के और यहाँ पर कैच की आवश्यकता है पंजाब टीम को अंक लिजवाना टीम के खाते में। शानदार मुकाबला बल्ले फिर रेड डालते हुए, अगली दोनों टीमें हमारे बिल्कुल तैयार है, वीरेंद्र फरमाना और बडाला इस मैच के बाद जो दूसरा हमारा मुकाबला होगा और यहाँ पर अच्छा प्रयास है मोनू बिंदल का अंक पंजाब टीम के खाते में। फिर रेड पे जय भगवान कमला निजवाना, मैच में अगर यहाँ बढ़त बनानी है तो पंजाब टीम को कैच की आवश्यकता है और देखते हैं इस बार कैच बनती है हरदेव फक्कर झंडा का। अच्छा प्रयास है देखते भाई राम से और झटके जा रही है आपके रेडर के खाते में, लिजवाना टीम के खाते में। और फिर रेड पे सुखो अमीरपुर, आज दो खिलाड़ी की छूट के अनुसार फक्कर झंडा टीम का सदस्य बनकर अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए सुखमन अमीरपुर रेड पे और ये अच्छा प्रयास है भाई मोनू बिद्दल, आज दो खिलाड़ी की छूट के अनुसार बिद्दल गांव का बेटा है अंक पंजाब टीम के खाते रेड डालिए भाई लिजवाना की तरफ से रेड डालिए। लखा लिजवाना रेड डालते हुए दोनों टीम ने बिल्कुल बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन अच्छा मैच दिखाया दोनों टीमों ने और लिजवाना टीम ने काफी बढ़त बना ली है, देखते हैं पंजाब की टीम उस बढ़त को यहाँ पर बनाए रखती है या फिर पंजाब कवर कर लेता है लिजवाना टीम के खाते में। और सबसे बड़ा धन्यवाद करते हैं बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के भाई सितार कमेंटेटर भाई जोगिंदर फुजी जो भी देश के अंदर बैठ के भी हमारे लाइव के साथ जुड़े और पूरे गढ़ी हरसरू गांव को और पूरी खेल समिति को बार बार बधाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा खेल मेला आपके बीच में चलता हुआ। गोली लिजवाना फिर लिजवाना की तरफ से रेड पे सामने भाई पंजाब की टीम के चार स्टॉपर और यहाँ पर अब को आवश्यकता है कैच की, देखते हैं पंजाब की टीम यहाँ पर कैच बना पाती है या फिर रेड रंग लेने में सफल अंक लिजवाना टीम के खाते। रेड डालिए भाई पंजाब की तरफ से रेड डालिए, भाई रेड डालो इतना समय नहीं होता आप रेड डालिए। और पंजाब की तरफ से ऑलराउंडर खिलाड़ी की भूमिका निभाते हुए स्टॉपर की भूमिका निभाई और अब रेड में भी देखते हैं ये है अमन खड़ग जटान और आज दो खिलाड़ी की छूट के अनुसार बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया भाई अमन खड़ग जटान ने और देखते हैं
की तरफ से रेड ना रोको, आपको सारे रूल और रेगुलेशन का पता है, रेड ना रोको भाई, चार कर लो और देव चार कर लो आप। स्कोर क्या हो गया मेरे? 18-11 अंक मिजवाना जिला जींद और भाई 11 अंक फक्कर झंडा पंजाब और लखन लिजवाना रेड पे। 3 अंक की आवश्यकता यहाँ पर लिजवाना टीम को जीतने के लिए और यहाँ पर पंजाब के स्टंपर के द्वारा फिर शानदार कैच के प्रयास था और अच्छी कैच बिल्कुल पंजाब टीम के खाते में। बल्ली फक्कर झंडा फिर रेड पे सामने भाई, 4 स्टंपर है लिजवाना जिला जींद और 2 खिलाड़ी की छूट के अनुसार आज चाहे अमन खड़ग जुटान की बात हो और मोनू बिदल की बात हो और अच्छा प्रयास अंक पंजाब टीम के खाते में। यहाँ पर मात्र 3 अंक चाहिए लिजवाना जिला जींद को मैच जीतने के लिए यानी सेमी के अंदर प्रवेश करने के लिए और पंजाब टीम को काफी अंकों की आवश्यकता है और ये है हरदेव फक्कर झंडा का अच्छा प्रयास है। यहाँ पर देखते हैं अंक रेडर के खाते में फिर स्टॉपर के और कबड्डी 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 अंक लिजवाना टीम के खाते में रेडर के खाते में मात्र 2 अंक चाहिए अब लिजवाना टीम को। रेड डाली है भाई, रेड डाली है मात्र 2 अंक की आवश्यकता है यहाँ पर लिजवाना जिला जींद को मैच जीतने के लिए 19 अंक और यहाँ पर पंजाब की तरफ से अच्छा प्रयास है। ये कैच बन चुके अब 1 अंक चाहिए लिजवाना जिला जींद टीम को। मैच पूरा खेल लिए भाई, खेल समिति का निर्णय, आप मैच पूरा खेल लें। और ये है भाई नया देखिए लिजवाना टीम ने यूज किया और सामने फक्कर झंडा के 4 पर देखते हैं यहाँ पर अगर रेडर अंक लेके आता है तो मैच यही समाप्त हो जाएगा और कैच बन चुकी है अंक पंजाब टीम के खाते में। फक्कर झंडा अगली दोनों टीमें तैयार है, वीरेंद्र फरमाना और बडाला डिस्ट्रिक्ट की सार, उसके बाद जो तीसरा क्वार्टर होगा बटेसरा और रूपगढ़, लास्ट क्वार्टर होगा मोखरा और फौजी बहुअकबरपुर। ये सभी टीमें अपने आप बिल्कुल तैयार रखें, अपने आप को वार्म अप कर लें। हमारे 4 क्वार्टर होंगे फिर 2 सेमी और 1 फाइनल और फिर रेड पे लखा लिजवाना और दर्शक साथियों अगर यहाँ रेड रंग लेके आता है तो मैच यही समाप्त हो जाएगा। अगर पंजाब की टीम कैच बनाती है तो मैच चलता रहेगा। देखते हैं यहाँ पर अंक रेडर के खाते में फिर स्टॉपर के खाते में अच्छा प्रदर्शन और कैच बन चुकी है भाई बिल्कुल। मैच फिर स्कोर क्या हो गया मेरे दर्शक का? 16 अंक है भाई पंजाब टीम के और 3 अंक है लिजवाना जिला के। यहाँ पर मात्र 1 अंक की आवश्यकता है और यहाँ पर मैच समाप्त। लिजवाना जिला जींद को सेमी के अंदर प्रवेश कर बधाई।